वाटर कलर या जल रंग जिनको पानी के साथ घोलकर प्रयोग में लाया जाता है। जल रंग से काम करने का चलन बहुत पुराना है। आजकल जल रंग कई प्रकार से उपलब्ध है। कभी ये चौकर टुकड़ों में, कभी ट्यूब में और कभी शीशे में भी मिलते हैं। तकनीकी तौर पर जल रंग का एक दूसरे के मिश्रण से किया जाता है। ये रंग एक दूसरे के ऊपर अगल बगल भी रखे जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी इन्हें लगाया जाता है। जल रंग को ट्रांसपेरेंसी भी बनाया जा सकता है। ये रंग जल्दी सूख जाते हैं, जिसे काम भी जल्दी हो जाता है। जहाँ तक यूरोपीय कला की बात है, रेनेसा के बाद से तेल रंगों की प्रमुखता रही है। जल रंग किसी किसी दौर में महत्वपूर्ण रहे हैं, मगर भारतीय कला की बात की जाए तो कुछ वर्षों में इस विधि की प्रति कलाकारों का रुझान बढ़ा है। अनेकों अनेक प्रदर्शनियों में जल रंग का प्रयोग प्रमुखता से देखा गया है। कुछ कलाकारों का मानना है कि जल रंग में प्राकृतिक चित्रण बहुत ही सुंदर बनते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रों का माध्यम तेल रंग चुना था, परंतु बाद में उन्होंने भी इस विधि का प्रयोग शुरू किया। उनका कहना था कि तेल रंग जल्दी नहीं सूखते और ये प्राकृति नहीं है, अतः उन्होंने जल रंग का प्रयोग किया। इस वाटर कलर पेंटिंग को आप लोग अंत तक देखें और बनाने की कोशिश करें, ताकि आप इससे कुछ चीज सीख सके। Thank you.